शादी शादी और शादी, घर में एक और शादी। तेरे मोटे होने का नुकसान है सबसे ज्यादा, अब तू समझ क्यों नहीं आया। तो ये ब्यूटीफुल सा गाउन मैं ट्राई करने जा रही हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल स्नेहा सचदेवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो अभी का सीन ये है कि बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं शादी के लिए आउटफिट लेने, क्योंकि मम्मा का आउटफिट फाइनल हुआ था, कशिश का हुआ था, लेकिन अभी भी बाकियों के आउटफिट बाकी हैं। तो आज हम लोग जाएंगे आउटफिट लेने के लिए शादी का। तो हम लोग निकल रहे थे और यहाँ पे देखो मैं प्रॉपरली रेडी हूँ, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे कशिश और सिमी भी आ चुके हैं, चलो यार जल्दी करो, लेट मत करो। और यहाँ देखो रीमा के कपड़े ना हारे यहाँ लगवा दिए, मेरे लिए एक अलमारी खाली कर रही है दीदी। दीदी कर दियोगे? चलो फिर चलो जल्दी चलो। आप इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो? ऐसी तो भी ठीक। क्या हो गया? बड़ा काम कर लिया आजकल, दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, दो तीन। कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा देंगे, सारे बॉडी चेकअप कराने पड़ेंगे। करा लो फिर, अभी ठीक नहीं लग रही है। इतने टाइम से बस बोलते हो कराते नहीं हो, करा लो। तो भाई इनको देखो, ओढ़नी पोंछनी है, पहले ही खाना पीना शुरू। बहन पहले लहंगे ले लेते हैं, पहले पी लेते हैं। जल्दी करो जल्दी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ओढ़नी और जाएंगे अंदर। यहीं से लेते हो भाई मैं सारे अपने आउटफिट सभी। तो भाई सिमी ने ना चूज करके सबसे पहले निकाल ले लाल लहंगा। बहन व्हाट अबाउट दुल्हन? पहले ये होता दुल्हन का कौन सा रंग पहनेगी वो? दुल्हन का तो कोई और रंग है ना। अच्छा तभी तूने रेड ले लिया। हाँ बाद में देखो, ननद बदनाम होगी पक्का, तू बदनाम होने वाली है। कोई बात नहीं, मना लूंगी। यहाँ पे सर भी हमारा काफी देर से वेट कर रहे हैं और सर ने देखो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी दिया, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी है उसके सामने, बहुत छोटा, थैंक यू। और आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी है ओढ़नी की, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर ये गोल्डन लहंगा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो अभी मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये, और अगर मैंने ये चूज कर लिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने रिवील भी कर दिया पहले ही, बट कोई बात नहीं। यहाँ पहले मैंने पूरा का पूरा गोल्डन लहंगा, और ये देखो पीछे सारे के सारे क्या बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे एक इश्यू है, मैंने भावना की शादी में भी रिसेंटली गोल्डन रंग ही पहना था, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे गोल्डन फिर से पहनना चाहिए। लहंगों का यही तो दिक्कत है। नहीं मुझे ये दुपट्टा नहीं चाहिए, दुपट्टा नहीं चाहिए मुझे, मुझे दुपट्टा नहीं समझ में आया। पीच कलर का लहंगा मैंने, ये भी अच्छा लग रहा है ब्रो। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है ब्रो। हम दोनों रेडी है शादी में, चलो यहीं से। तो भाई कशिश ने अभी एक इतना सुंदर सा आउटफिट कहा है वो दीदी, आउटफिट कहा है? तो भाई वो ट्राई किया, इसको आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? देखा मोटे, तेरे मोटे होने का नुकसान है ये सबसे ज्यादा, अब तू समझ ले। क्यों नहीं आया? ऑडियंस को तो पता ही होगा बहन। अच्छा तेरे को आ रहा तो इतना मत तू। तो ये ब्यूटीफुल सा गाउन मैं ट्राई करने जा रही हूँ, ग्रीन कलर मैंने आज तक नहीं पहना, तो लेट्स ट्राई ग्रीन कैसा लगेगा। तो गाइस अभी मैंने ये ग्रीन कलर का प्रिंसेस गाउन पहना था दीदी के कहने पे, भावना दीदी कह रही अच्छा लगेगा पहन के देख। Hello. तो भावना दीदी कैसा लग रहा है? आपने बोला था पहनने को ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ना मैं गाउन से इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग के भी देखो मैं तो उस पर खड़ी हूँ, इस पे आ जाओ ना तो पता नहीं कहाँ जाएगा ये। सूट कर रहा है लेकिन लिटिल की लिटिल ही रह जाऊंगी प्रिंसेस। तो भाई आपके गाउन अभी चेंज करते हैं और फिर डिसाइड करेंगे, और अपना वाला नहीं रिवील करूंगी मैं। तो गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा मैंने पहना है, जो बेस्ट है लाइक किसी भी फंक्शन के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ हल्दी के लिए बिकॉज येलो है। लोग ये ना मिथ है कि येलो कलर इस फॉर हल्दी ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। लहंगे जो है ना ऐसे लहंगे शादी पे भी बहुत बेस्ट लगते हैं, और मुझे ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट कलर है, जो कलर मतलब ऑलमोस्ट दूसरे लोग नहीं पहन के आएंगे। सो यस आई लाइक इट, एंड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ कि अभी तक जितने भी आउटफिट ट्राई करें सबसे बेस्ट कौन सा लगा। तो यहाँ पर एक ब्लैक शरारा क्रॉप टॉप सेट पहना है श्रक के साथ में, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस बार मैं कुछ डिफरेंट पहनने का सोच रही हूँ एक्सेप्ट लहंगा, क्योंकि ना मैं तंग हो चुकी हूँ लहंगे पहन पहन के पहन पहन के, हर थोड़े दिनों में लहंगे पहनने पड़ जाते हैं। तो इस बार कुछ यूनिक पहनने का आना है, तो सजेस्ट करो क्या पहनना चाहिए, लहंगा ही पहनो या कुछ डिफरेंट पहनो, कमेंट करके बताओ। यहाँ पे देखो वेडिंग शॉपिंग में सिमी क्या क्या उठा के ला रही, तेरा फाइनल हो गया? हाय खुश होगी, मेरा फाइनल लियो परा, और मैंने देखो ये बहुत सुंदर ये भी लग रहा है। सो ओढ़नी से आउटफिट फाइनलाइज करने के बाद हम लोग आए हैं मूवी, लेकिन मेरा आउटफिट अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि मैं क्या पहनूँ, मेरा मन नहीं है लहंगा पहनने का, बट फिर सोचती हूँ कि पहन लेती हूँ, सब वही पहन रहे हैं। सो देखते हैं लेट्स सी क्या पहनेंगे। अभी मूवी देखने आया बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है,
रेटिंग्स के अकॉर्डिंग, रिव्यू के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी, कशिश अभी वहाँ पे पॉपकॉर्न ले रही है, जैसे ही लेकर के आएगी उसको फिर दिखाती हूँ, क्योंकि मूवी स्टार्ट होने में है 5 से 10 मिनट है। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया थिएटर है, सीरियसली मुझे बहुत पसंद है, और ना यहाँ का स्टाफ मुझे सारा जानता है वो हमेशा। तो भाई यहाँ का स्टाफ ना क्लियर बोलता है, आप तो वही हो ना जो हमारे में छुपके छुपके स्नैक्स ले गए थे हमारे थिएटर के अंदर, तो मेरी वो रील कुछ ज़्यादा ही वायरल चली गई थी, जिसकी वजह से आज तक मुझे ये लोग रोकते हैं कि आज को कुछ नहीं लेकर के आए। ले लिए पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न लिया है और कोक लिया है और पास्ता लिया। पास्ता तो तू छोड़ती नहीं है, स्कैनर किसका है, स्कैन कर देंगे लोग जो तू वीडियो में दिखा रही है। क्या मूवी देखने आए लोग भी कहना कर देना गाइस, ये किसी और का स्कैनर था। मूवी की एंट्री नहीं हुई भाई, क्योंकि ऑलरेडी शो चल रहा है, बाहर निकलेंगे तो अंदर जाएंगे ना। हाँ तो भाई यहाँ पे ना गलती से मुझसे फेंटा गिर गई इसकी, क्या कह रही है? ऐसा कुछ हो सकता है जो उसने बिना गिराए काम कर दे। हाँ हो सकता ना। हाँ जी व्हाइट सॉस पास्ता भी है। तो भाई यहाँ मूवी शुरू हो गई है और हम लोगों ने पहन लिया अपने सन ग्लासेस। मुझे बहुत अजीब लगता है पहनने, बहुत बेकार लगता है, लेकिन अब टिकट्स ले ही लिया तो कोई बात नहीं। चश्मे के ऊपर चश्मा, ये भगवान। तो मूवी देख करके अभी घर आ चुके हैं, और बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत सस्पेंस वाली मूवी है एक्चुअली में, और बहुत अमेजिंग एक्टिंग है, बढ़िया, मतलब एकदम मजा आ गया, बिल्कुल सस्पेंस वाली, एंड तक सस्पेंस था मूवी के अंदर। सो मस्ट वॉच वाली मूवी है, मुझे काफी अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट, कशिश को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो बेस्ट रिव्यू फॉर द मूवी। एंड अभी मेरा आउटफिट फाइनल है, मुझे उस चीज़ की टेंशन हो रही है, बिकॉज अगर आउटफिट नहीं होगा, ज्वेलरी नहीं होगी, अभी भाई का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, आई डोंट नो, इतना सारा काम बाकी है, लेकिन मैं क्या कर रही थी जो मैंने इतने दिनों से कुछ किया नहीं, और अब एकदम से सब कुछ पास आ गया, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12th 13 14 15 16 17 18 17 और 18 के फंक्शन है, हमारे पास सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं, और 4 दिन के अंदर कैसे भी सारी तैयारियां करनी है। तो कल से फुल ऑन व्लॉगिंग भी होगी, डेली मिनी व्लॉग्स भी एज इट इज आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड कि अभी मैं जस्ट घर पहुंची हूँ, रात के 2:30 बज रही है। सो फाइनली रात के 2:30 बज चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे आ रही है बहुत तेज की नींद, तो जस्ट मेकअप रिमूव करूंगी एंड सोंगी। सुबह से सेम शेड्यूल है, लेकिन हमें बहुत सारा काम है, तो कल से तो पूरा दिन काम पे लग जाऊंगी, अदरवाइज सारा काम नहीं निपट पाएगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कौन सा लहंगा सबसे बेस्ट लग रहा था प्लीज वो कमेंट कर देना, बिकॉज आई एम थिंकिंग जो आप बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ इस बार पहनना चाहूंगी, चाहे साड़ी चाहे लहंगा चाहे कुछ भी जो आप बोलो। सो यस, डिसाइड करेंगे कल, सो कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, ध्यान रखिए अपना, और मुझे ना व्लॉग का टाइमिंग भी बता देना कि किस टाइम पे व्लॉग डाला करूँ। सो बाय बाय।